खबर आपको बता है, गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच आई बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या, डीजी जेल हेमंत लोहिया की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घर में संदिग्ध हालत में मिला हेमंत लोहिया का शव। घर से फरार नौकर यासिर की तलाश तेज हो गई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 2 महीने पहले डीजी जेल बने थे हेमंत लोहिया और हत्या के बाद से नौकर यासिर फरार बताया जा रहा है। जम्मू के रामबन का रहने वाला यासिर और यासिर के साथ एक अधिकारी भी फरार बताया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 महीने पहले ही डीजी जेल बने थे, अब उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है और गला रेतने वाला यासिर अभी फरार बताया जा रहा है। घर का नौकर बताया जा रहा है ये यासिर था और अब उसकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। हेमंत लोहिया डीजी जेल बने थे 2 महीने पहले और हत्या के बाद से नौकर यासिर अभी फरार है जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। जम्मू के रामबन का रहने वाला यासिर, यासिर के साथ एक अधिकारी भी फरार बताया जा रहा है और इस पूरे मामले की अब हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेएनके का दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, इन सबके बीच में ये खबर काफी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली। डीजी जेल की हत्या कर दी गई और साथ ही आपको बता दें जो नौकर है यासिर वो अभी फरार बताया जा रहा है। यासिर के साथ एक अधिकारी भी फरार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी संगठन टीआरएफ की करतूत साहब ने यह प्रेस रिलीज जारी कर जिम्मेदारी ली है। ऐसी वारदात के शुरुआत की धमकी, कहीं भी किसी भी वक्त हमले की धमकी, डीजी जेल की हत्या को छोटा गिफ्ट बताया है। ऐसे आतंकी हमले करते रहने की धमकी भी दी गई है। आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ की करतूत सामने आई है और प्रेस रिलीज जारी करके जिम्मेदारी ली गई है कि ऐसी वारदातों की शुरुआत की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है और ये छोटा गिफ्ट है, डीजे जेल की हत्या को छोटा गिफ्ट बता दिया है। ऐसे आतंकी हमलों को अंजाम देते रहेंगे, ये भी उनके द्वारा कहा गया है।